हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मदर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ीसा स्पेशल ब्रह्मपुर स्टाइल दही बैगन की रेसिपी। ये रिक्वेस्टेबल वीडियो है, विजय लक्ष्मी जी ने रिक्वेस्ट किया है दही बैगन के लिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है मीडियम साइज दो बैगन, दही, मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल। साथ ही साथ हमने लिया है हींग, चीनी, साल्ट, फ्रेश धनिया, चौपड़ अनियन, हरी मिर्च। एक बर्तन में दो कप दही डाल के अच्छे से फेटे। दही बैगन के लिए फ्रेश दही यूज करें। इसके अंदर नमक और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। डाल के अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख दें। अब चलते हैं तड़का लगाने के लिए। गैस पे एक पैन चढ़ा दे, उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डाले। ऑयल गर्म होने के बाद मस्टर्ड सीड्स डाले। अब सीड्स को चटपटने दीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे उड़द दाल। उड़द दाल थोड़ा सा लाल होने के बाद ऑनियन डालें। साथ ही साथ हम डालेंगे हरी मिर्च। लाल होने तक अच्छे से फ्राई करें। अब देखिए अनियन लाल हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हींग। अब गैस बंद कर दें। पहले से हम जो दही फेंट के रखा है उसके अंदर ये तड़के को डाल दें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसके अंदर ऑयल डालें। उतना ही ऑयल डालें दो बैगन तलने के लिए जितना जरूरत है। वो इसलिए मैंने बोला तला हुआ ऑयल को ज्यादा दिन स्टोर करके यूज करना अपना सेहत के लिए सही नहीं है। यहाँ मैंने बैगन को अच्छा से धो के सुखा लिया है। इसी तरह ऊपर के डंटल निकाल के लंबा लंबा पतला पतला काटे। हाँ, और एक बात, बैगन बिना बीज वाला यूज करे। मेरा तो एक ही बैगन सही निकला है, बाकी सब बीज वाला है। बीज वाला बैगन होगा तो इस तरह बीज को निकाल दे। कोशिश यही करना, जब भी दही बैगन बनाना है बिना बीज वाला ही बनाएं। उसी से ही दही बैगन बहुत टेस्टी बनता है। अब तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। जब बैगन डालते समय फ्लेम को हाई रखें, फिर पलट के मीडियम फ्लेम में रखें। इस तरह गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई करके निकालें। निकालकर इस तरह एक टिश्यू में डाल दें। उसी तरह बचा हुआ बैगन को भी फ्राई करें। डालते समय फ्लेम को हाई रखें, फिर पलट के फ्लेम को मीडियम पे रखें। पहले से निकाल के रखे बैगन को इस दही के अंदर डाल दें। इसी तरह सारे बैगन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। सारे बैगन को दही के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। लास्ट में धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दे। अब देखिए हमारा दही बैगन पूरी तरह से रेडी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।